देखिए, आज ये जिला स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। अभी रिसेंटली माननीय मुख्य सचिव महोदय ने एक माइनिंग के संबंध में वीसी ली थी, जिसमें उन्होंने कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों की पालना के क्रम में कलेक्टर साहब ने आज ये वीसी रखी थी, जिसमें कि जिले के सभी अधिकारी थे, थाने के अधिकारी भी थे, माइनिंग डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग के अधिकारी भी थे। फिर क्या निर्देश दिया आपने? देखिए, जो अवैध माइनिंग चल रही है बजरी की, उसके लिए हर जिले में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जो कि कलेक्टर साहब की तरफ से वो टास्क फोर्स गठित की गई है एसडीएम लेवल पर और तहसीलदार लेवल पर, जिसमें कि अन्य कुछ एजेंसियां भी शामिल की गई हैं उस टास्क फोर्स में। इसमें पुलिस भी है, परिवहन वाले भी हैं, माइनिंग वाले भी हैं, तो इन सभी को मिलाकर के टास्क फोर्स बनाई गई है। वो टास्क फोर्स कैसे काम करे, उसको किस प्रकार से रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएँ, उसके बारे में ही ये मीटिंग थी। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी माइनिंग से प्रभावित एरियाज़ हैं, अवैध बजरी माइनिंग प्रभावित एरियाज जो हैं, वहाँ पर ये टास्क फोर्स जाके काम करे। और मैं पुलिस के बिहाफ पर मैंने सभी को निर्देश दिया है कि जब भी ये टास्क फोर्स ऐसी कोई भी डिमांड करे जहाँ पर रिसोर्सेज की आवश्यकता हो, पुलिस फोर्स की आवश्यकता हो, तो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए उन्हें वो आवश्यक मदद उपलब्ध कराएं।